फ्री में गिव अवे कर रहा हूँ कि भाई ये वो पपीज है जिनका मैं गिव अवे करने जा रहा हूँ, ये मेल है ये फीमेल है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज कैसे हैं आप सभी? और गाइज अभी जा रहा हूँ राहुल भाई के घर पे, तो गाइज चलो चलते हैं अभी। और गाइज ये आपके लिए ना एक गुड न्यूज है, राहुल भाई है ना अभी पप्पी गिव अवे कर रहे हैं। पूछते हैं राहुल भाई से क्या सीन है। तो क्या सीन है भाई, फ्री पप्पी गिव अवे हो रहा आज तो भाई, चल के ही देख लेना। तो गाइज अभी पहुंच गया हम राहुल भाई के प्लॉट पे और राहुल भाई अभी अंदर है, नोनो हंटर को अंदर कर रहे हैं। तो गाइज उनसे पूछते हैं फ्री पप्पी गिव अवे का क्या सीन है। राहुल भाई घर पे तो नहीं बताया, अभी यहीं पे बता दो। अभी भाई आए हुए हैं हमारे लेने। अच्छा, तो उनको मैंने सब बता दिया था, मैं वीडियो में भी बता देता हूँ। मैंने अपने काफी फ्रेंड सर्कल में पता किया बट मुझे कोई लेने वाला नहीं मिला। अच्छा। वैसे लाइन लगी रहती थी कि भाई मुझे एक पिल्ला चाहिए फ्री में, भाई मुझे एक पिल्ला चाहिए। हाँ। फ्री में लोगों को देखना होता है कि लोग फ्री में लेके उसको पाल भी सकते या नहीं, उसको खिला सकते या नहीं, उसको हाँ। कुछ हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं कि नहीं। तो यही एक अपॉर्चुनिटी, एक रीजन मान लीजिए मेरे पपीज जो है बीमार है और 5 पपीजों को पारवो हो गया और 5-5 पपीज का ट्रीटमेंट कराना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। पहले भी नोनो के पपीज को पारवो हो गया था, तो अब दोबारा से उन पपीज को पारो ना लग जाए, इसलिए मैं फ्री में गिव अवे कर रहा हूँ कि भाई पप्पी ले जाओ, उसका ट्रीटमेंट करा के रख लो फ्री में। हाँ भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट, बस आपको ट्रीटमेंट कराना है। और जो बंदा ट्रीटमेंट नहीं करा सकता वो डिजर्व नहीं करता उस पप्पी को रखने का। ट्रीटमेंट नहीं करा सकता, उसका इलाज नहीं करा सकता, तो ऐसे बंदों को फ्री में देने का क्या फायदा है? हाँ, कल को वो बीमार हो जाएगा तो इलाज कैसे कराएंगे? इलाज नहीं करेंगे, गली में भगा देंगे, कुछ भी गली में रोड पे छोड़ देंगे, क्या फायदा है? तो ऐसे बंदों को दो ना जो उनका ट्रीटमेंट करा सके, जो उनकी केयर कर सके, जो उनपे थोड़े बहुत पैसे अगर लगाने पड़ जाए तो लगा सके। तो ऐसे ही एक हमारे राहुल भाई आए हुए हैं हमारे। चलो, उनका नाम भी राहुल है। हाँ, उनका नाम भी राहुल है। और राहुल भाई क्या हाल है? बढ़िया। आ जाओ भाई, अंदर आ जाओ। आ जाओ भाई, आप भी आ जाओ। अभी डॉग्स को अंदर कर दिया फिलहाल, तो कोई डरने की बात नहीं है। तो गाइस दोनों राहुल भाई आ गए हैं। तो गाइस ये मेरे नोन है, मेरे मित्र है, उनका भी नाम राहुल है, लेकिन दोनों में थोड़ी थोड़ी डिफरेंस क्वालिटी है। मैं स्लिम ट्रिम हूँ, ये भी स्लिम हुआ करते थे, लेकिन अब इन्होंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर दी है। अच्छा, कटिंग दिख रही है गाइस, देख सकते हो भाई की कटिंग बढ़िया है, देख सकते हो। हाँ, और डॉग्स का शौक मुझे भी है, ये सिमिलैरिटी हमारे डॉग्स का शौक इनको भी है। तो जब मैंने स्टेटस लगाया तो इन्होंने बोला कि ये ट्रीटमेंट करा लेंगे, तो आज ही आए हुए पप्पी लेने के लिए। तो अभी इनको पप्पी दे देता हूँ मैं। हाँ। और गाइस मांगने वाले बहुत होते हैं फ्री में, मुझे दे दो मुझे दे दो, लेकिन उसको संभालने वाला चाहिए होता है। ऐसे ही मैं किसी को दे नहीं सकता, पप्पी उसकी जान पे बनाती है। अगर वो बीमार हो गया और ऐसे बंदे को दे दिया जिसके पास ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं है या वो केयर नहीं कर सकता, तो बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी, और जो कि मैं चाहता नहीं। और उस चीज का कोई फायदा भी नहीं है भाई, कोई फायदा नहीं है ऐसे बंदों को देने का। तो गाइस ये वो पपीज है जिनका मैं गिव अवे करने जा रहा हूँ, ये मेल है ये फीमेल है। ये पपी था हमारी एना का, उसको पारो हो गया, 5 पपीज थे, सभी को पारो हो गया, तो सभी का ट्रीटमेंट कराना मेरे अकेले बंदे के लिए इम्पॉसिबल है, तो इसीलिए मैं गिव अवे कर रहा हूँ। 2 पपीज का मैं पहले कर चुका हूँ और 2 पपीज का अब कर रहा हूँ। हाँ। एक का ट्रीटमेंट मैं अपने आप कर लूंगा, एक का पॉसिबल है मेरे लिए ट्रीटमेंट करना। तो गाइस अभी है ना राहुल भाई को पपी दे दिया और हमारे वापिस प्लॉट के अंदर। चलो नोनो हंटर को देखते हैं क्या कर रहे हैं अभी। ये देखो गाइस, एना भी इधर है और काली भी आ गई। काली, काली तो बहुत दिन बाद आई। हाँ भाई, काली बहुत दिन बाद आई है भाई। काली ने आना छोड़ रखा है यहाँ पे। हाँ, नाराज हो रही है, नाराज हो रही है। पता नहीं क्या, इसके पपीज बड़े हो गए, अब इसको खाने की जरूरत नहीं रही, पता नहीं क्या बात है, ये बात ही नहीं है। देख सकता बाकी पेट तो फुला रखा इसने, मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। पारो के पपीज मैंने पकड़े हुए थे बेटा, आज हाथ नहीं लगाऊंगा मैं। हाथ तो मैंने भी लगा रखी, इसलिए मैं भी दो रखूंगा। ये देखो, हाँ बाकी यादव को कर रही है, इतने दिन से गायब थी। अरे भूरी भी आ गई, भूरी। अरे तो तीसरी को भी साथ ले आए। ये देखो गाइस, वैसे तो एक दिन ही आ रहा था, तीन आ गए भाई। शायद इनको भी पता था यहाँ पे पपीज को पार वो रखा है, कहीं इनको ना लग जाए, शायद कहीं ना कहीं कोई भनक थी इनको भी। हाँ लगता तो ऐसा ही है, इतने दिन ये आई नहीं यहाँ पे, और अब भाग गई उधर काली, उस साइड से आएगी लगता है मेरे को। उसको पता ना, मेन गेट वही पे, हम वही गेट खोलते हैं, गेट बंद रहता है, पता है काली को सब। तो गाइस देखा आपने, बता दिया मैंने क्या रीजन था कि राहुल भाई पप्पी गिव अवे कर रहे हैं, और गाइस राहुल भाई ने सभी पप्पी का गिव अवे कर दिया है। तो गाइस काफी गर्मी हो गई थी, तो राहुल भाई ने एना को भी नहला दिया है। अरे सारी मिट्टी में लेट लेट के मिट्टी मिट्टी हो रही थी। हाँ भाई, मिट्टी मिट्टी में हो रही। अब क्या पता तू इसको छोड़ देगा ना दोबारा नहला के, फिर हो जाएगी। नहलाना तो पड़ता ही ना भाई, साफ सुथरी तो रखना पड़ता है। हाँ काफी गर्मी हो रखी है वैसे, आज रखी और भाई फिर मिट्टी की वजह से ना इंफेक्शन हो जाते हैं। हाँ ये देखो गाइस कैसी शक्ल बना रही है, मिट्टी में खेलना ही पसंद है, और मिट्टी में ही खेलती है ज्यादातर भाई। देखो गाइस अभी नहलाया था इसको, उधर चलेगी फिर से, हो जाएगी ये अब। और ये देखो गाइस इसको नहला दिया ना को फिर से, अब ये लग रहा मिट्टी में जाएगी। ये देखो गाइस फिर से होगी, कर लिया ना अपने आप को मिट्टी में, है ना। ये देखो गाइस,
और मिट्टी में रह ले, हो गई ना खुजली, साफ सुथरा तो रहा नहीं जाता तेरे से। देखो गाइस काफी मस्ती आई हुई इसमें, और ये देखो गाइस वेट कर रहे अभी इनको खोलेंगे हम। और ये देखो गाइस हंटर को, हाँ अभी रुक जा भाई, वेट कर रहा तू, पता है मेरे को। अब देखो गया वापिस, देखो गाइस जैसा कि हमने बताया था इसको नहलाने के बाद देख सकते हो इसका हाल, पूरी मिट्टी मिट्टी में होगी ये, वे है ना शैतान होगी बहुत ही। और गाइस देखो कैसे खुदा रही है मिट्टी में, और रह ले तू मिट्टी में रहती है इसी वजह से होता है ये तेरे साथ। इस अभी को है ना हमने इंजेक्शन भी लगा दिया है, और अब इसको दवाई भी लगाएंगे, खुजली होगी ना, ये देखो इसके बाल झड़ गए हैं। अब देखो कैसे खुदा रही है, देखो गाइस मक्खियां परेशान कर रही है इसको, कैसी शक्ल बना ली। ये देखो गाइस गेट पे देखने आ गई, अभी डॉग था बाहर। और ये देखो हंटर के काम, रुक जा अभी रुक जा तू, खोलेंगे भाई तेरे को भी, वेट कर थोड़ा अंटू, समझदार है वैसे गया वापिस। और गाइज नेक्स्ट वीडियो है ना हम आपको है ना एक ऐसी चीज दिखाएंगे जो हमारे है ना पूरे भादुरगढ़ में नहीं है, तो गाइज इसी बात पे चैनल को है ना सब्सक्राइब कर लो। और गाइज ऐसे ही आपको ना आगे हम न्यू डॉग्स भी दिखाएंगे, आपको बहुत मजा आएगा। तो गाइज अभी है ना मंटर को भी बाहर निकालने वाले है, तो गाइज आपने देखा कि वो है ना खिड़की पे कैसे मुंह निकाल रहा था अपना, और हमने हंटर को इसी वजह से अंदर बंद किया था ताकि वो भाई आए थे ना वो डरे ना इससे, तो इस वजह से उसको हमने अंदर बंद किया हुआ था। गाइज फिर भी नहीं मान रही, फिर बैठ गई यहीं पे आके, ओए है ना लेना मिट्टी मजा आ रहा तेरे को, खोल रहे रुक जा। तो गाइस अभी खोल दिया राहुल भाई ने, नोनो भी आ गई, पपीज आ गए, अंटर उधर बैठा है, अंटू इधर आ आइए, और राहुल भाई के पास ही बैठेगा। अच्छा खाना खा रहा क्या, चल चल खाना खाते टाइम तू मत आई इसके पास, जा तू उधर जा, जा बेटे चलो 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 जाओ नीचे जाओ, गुड़दार खा लेना खाना, कहाँ भाग रहा क्या मिल गया, चल बाहर जा अब जा, अब ये जाने नहीं देगा मेरे को, मैं ही चला जाता हूँ बाहर, तू चल उधर। ये देखो गाइस बहुत शैतान है, अबे रुक जा, ये देखो राजी हो गया, कितना बचना पड़ रहा है इससे, कपड़े खराब कर देगा फिर, आज भी ड्रामे करने हैं इसको, खाना नहीं खाना आज इसको, डेली का काम है भाई। हाँ इसको या तो पनीर दो या अंडे दो या चिकन दो साथ में, या अलग से अंडे अलग से चिकन दो या अलग से सेपरेट पनीर, तब तो ये खा लेगा। वैसे जब इसको फीड देते तब इसके नखरे हो जाते। हाँ ये देखो छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, इसके नखरे भाई मैं ही जानता हूँ, अब ये जब थोड़ी देर में पपीज खाना खा लेंगे ना तब मैं इसको अकेले को मैं खिला दूंगा। अंदर गया, प्यास है भाई इसको, गर्मी भी बहुत ज्यादा लगती है भाई, सबसे ज्यादा गर्मी लगती है इसको। तो गाइस राहुल भाई ने अंटर को भी खाना खिला दिया, और गाइस कमेंट में बताना वीडियो आपको कैसे लगे, अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और गाइस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।